नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम कॉलेज शिक्षा में सहायक प्रोफेसर के लिए सिलेबस में शामिल की गई ये कहानी है आलम शाह खान के द्वारा रचित पराई प्यास का सफर, उस कहानी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज की सिर्फ उसका वाचन करना है, अगले वीडियो में उसकी एक समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। चैनल पर नए पधारे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम चाहते हैं कि कॉलेज एजुकेशन की जो के सिलेबस में जो जो रचनाएं शामिल की गई हैं, उन समस्त रचनाओं को आपके समक्ष यहाँ पर पेश किया जाए। चलिए देखते हैं कहानी। इस कहानी में क्या क्या चीजें हैं, एक छोटी सी हम कहें कि एक समरी हम देख लेते हैं। इसमें दो लड़के हैं, लखना और बड़के, और ये बाल मजदूरी पर आधारित एक बाल मनोविज्ञान कहानी है। आलम शाह खान का पहला कहानी संग्रह पराई प्यास का सफर था और उसी में ये कहानी संकलित है। कहानी के में मध्यम और निम्न वर्ग की आर्थिक विषमता का चित्रण हुआ है। पुरुष प्रधान समाज में औरत की शोषित स्थिति को मार्मिक रूप से चित्रित करने का प्रयास किया गया है और जिसमें सफल भी रहे हैं। आगे देखते हैं कि इस कहानी में दोनों पात्र अपने पिता के तिरस्कारों एवं दुकान मालिक के अत्याचारों से पीड़ित हैं। बच्चों की कोमल भावनाओं का हृदय विदारक चित्रण इस कहानी में हुआ है। ग्रामीण जीवन की आर्थिक कठिनाइयों के बीच जीवन यापन करने की व्यवस्था का चित्रण भी इस कहानी का एक अंश माना जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। छोकरे पाड़नी, लड़के दोचा फुर्ती से, ए सुन आलू बड़ा चटनी में फटाफट, ए नमकीन एक प्लेट झट से, छोरे कचौड़ी इधर। इतने सारे हुक्म ऑर्डर लादे वह पिद्दी छोकरा चक्री की ढब घूम रहा था, पल इधर पल उधर। उसके कम उम्र के उम्र पगों में पहिया था जो कि घूमता ही रहता था। उसके सदैव बोल थे, लाया आया ठीक अच्छा हाजिर लो साहब, और कुछ हाँ दो सिगरेट गेंची पैसे, अबे पूतनी के पड़े का एक झाप, खाया पिया नहीं और पैसे पैसे नहीं सिगरेट के, जा पीछे सब साथ देंगे। ना साहब, वो पान वाला सिगरेट के पैसे पहले लेता है, पहले नहीं पहले लेता है। ले मर, तरेली आंखों से घूरते हुए झल्लाए हाथ ने उसकी मैली हथेली पर पैसे टिका दिए। वह घूम गया, धड़धड़ाता काठ के जीने की सीढ़ियां उतर गया और छोर फैलकर बढ़ते हुए उस कस्बे नुमा लहर में मकान दुकानों में बदल रहे थे और दुकानें ढाबे होटलों में और छोक लड़के छोकरों में। 18-20 पग लंबे और 12-15 पग चौड़े उस शिव विशाल रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट का नाम याद रखिएगा शिव विशाल रेस्टोरेंट में, सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती। धंधा और बढ़ गया तो ऊपर छत की तरफ लकड़ी का ढांचा खड़ा कर सीढ़ियां लगाकर गुंजाइश कर ली गई, अर्थात थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा दिया गया। लखना की ड्यूटी इसी ऊपर ले केबिन में थी। ऊपर से ऑर्डर लेकर वह नीचे उतरता और सामान लेकर ऊपर टेबलों पर रखता। काम तो इतना ही था, पर उसे सुबह से शाम और शाम से रात भीगने के पहले तक चढ़ उतर लगी रहती। दोपहर में खाने भर को आधा पौन कलाक की फरागत मिलती, उसके बाद फिर वही चढ़ उतर। ग्राहकों का जमाव बिखरा की कोने में सटकर उसने बीड़ी सुल गई। 2-3 सट्टे मारे थे कि बड़बड़ के साथ पूरे केबिन का काट बर्रा गया और 4 मजूर नुमा लोग आ जमे। मजूर मतलब मजदूर जैसे लोग। बीड़ी पीता लौंडे विषय, कितने बरस का है? 12 का। उसने बीड़ी के ठूंठ को दीवार से रगड़कर कान में खोसना चाहा, पर वह कुछ सोचकर अपने चिकट नेकर की जेब में सहेज गया। चिकट मैल से गंदा। क्या लाऊं साहब, कब से पीता बीड़ी? चाय साहब, पहले बता कब सीखा? बहुत पहले से। चाय और कुछ? बहुत पहले से। माँ के पेट में बीड़ी फूंकता था, मेरी तरह बॉयलर गर्म करता था भीतर, बॉयलर का मतलब बॉयलर। सब ठठाकर हंस पड़े। क्या लाऊं साहब, चुप कर माथा मत खा, रुक। वह सटक गया और दूसरे ग्राहक को निपटाने लगा। इस मुल्क का तू ही राखनहार है मेरे मालिक, साली ये भी कोई जिंदगानी है? बस एक ही काम, सील पैक दूध के डिब्बे के ढक्कन लगाते रहो सुबह से सांझ तक। अरे यो कौन मोती पिरो रे, 5 बजे तड़के उठ ये गैया भैंसों को खाना खाने पानी सानी पानी करते हैं, फिर सालों का गू गोबर समेटो। आज भी कल भी ढोरों को सहेजते संभालते खुद ढोर हो गए। गो माता की सेवा टहल में है, सरग मिलेगा तुझे। गो जाए खटीक कसाई के, सानी पानी गोबर घास की गंध यूं भर गई मुंह में कि अब सिवा इसके दूजी कोई बास नहीं अटती नथुनों में नाक में।
तुम परेशान हो, लो लाजोबी के बाल तो हम सवारे हैं, मशीन में भूत बन के जो कोलसा झोंके हैं दिन भर, नीरे तुम सब तो मर गए, सुखी तो मैं धरा हूँ, दिन भर डिब्बे गिला करूँ। साली इस डेरी ने दूध का ही पाउडर किया है, हमें तो हमें भी पीस बंद दिया है इस कारखाना ने मैं डिब्बे में। साला एक भी काम, एक ही काम रोज रोज, आदमी क्या शैतान उपजे। सुना है ना वो किस्सा बोतल बंद जिन राक्षस का, जो डांट खुलने पर आदमी के बस में हो गया था, इस शरत में कि बराबर काम बताता रहे तो ठीक, वरना उसे चट कर जाएगा। इस आदमी ने भी, मेरे यार ने क्या तरकीब जुमत की है साला, जिन राक्षस से ची बोल गया आदमी, उसको बोला कुछ काम नहीं तो जा घर की सीढ़ियां उतर चढ़, बस यही काम है तेरा। दो दिन में घबरा कर भाग गया, मार भी बोली अब कुछ खिलाएगा पिलाएगा या बस बात पे बात। छोकरे आया, वह कप पर कप धरे सीढ़ियां चढ़ रहा था, क्या लाऊं साहब, पानी और कुछ, पहले पानी। वह मुड़ा और धड़धड़ सीढ़ियां उतर गया। दो तीन मिनट बाद गिलास, पानी के गिलास का छिक्का टेबल पर रख टिका कर बोला क्या लाऊं, चार चा और कुछ, पहले चा। वह नीचे उतरा, थोड़ी देर में चाय के कप रख दूसरे टेबल के पास चला गया। सूखी चाय पे टक्का देगा, महीनों में चेता है, तूने साले गोना करवाया है, ठट्ठा है कोई, पार्टी मांग रहे दोस्त लोग, बोल भी क्या लेगा, चिंटू क्या रिया है, मंगा कुछ मीठा बैठा। छोकरे ओ छोकरे आया, आवाज के साथ वह सीढ़ियां चढ़ाया, दो प्लेट बर्फी और तेरी जनती का, सीढ़ियों में फिर कंप भर गया। आगे की गाली उसने मुंह में रख ली, लो साहब बर्फी, कहकर उसने गिलास उठाए और पलट गया। मीठे के बाद नमकीन नहीं होगा लड़के, बाबा के साथ सीढ़ियां धुजाता वह सामने आ खड़ा हुआ, बोलो साहब। उसकी आवाज उठती गिरती सांसों में उलझी थी, दो नमकीन और बस। सामने दीवार पर चींटी मरी हुई मकड़ी को घसीटने के लिए जूझ रही थी, उसने नमकीन टेबल पर लगाया, तब उसके माथे पर पसीने की बूंदे चूहा चूहा आई थी। बाह उठाकर उसने माथा रगड़ा और नाक ऊपर चढ़ाते हुए कोने में जा टिका। उसका सीना धुक रहा था, टांगे कांप रही थी, उसकी आवाजाई से सीढ़ियों का काट अभी तक झनझना रहा था। खा पीकर लोग उठे तो वह दनदनाता हुआ फिर नीचे जाओ खड़ा हुआ और गला फाड़कर हांक लगाई, चार लोग 380। उसकी आवाज फट गई थी। कितनी बार चढ़ता उतरता है ये सीढ़ियां, कोई गिनती नहीं बाबू साहब, तो भी सुबह से सांझ रात तक थकता नहीं, थकने से काम कैसे चलेगा। वो चार आदमी शायद उसके मालिक से बतिया रहे हैं, थकने से काम कैसे चलेगा, तूने कौन सा काम चलाना है रे, पेट पालने हैं, तेरे बाल बच्चे हैं, मेरे नहीं, मेरे बाप के तो हैं, बाप कहाँ गया, चौधरी का लुगाई लेकर भाग गया, भाई बहन और माँ हैं गांव में दूसरे आदमी के घर में, ओ मेरा नया बाप जुल्म भरा है, माँ के डर में डालने से पहले तो हाँ बोल दिया, अब मुकर गया, बोलता है तेरे पहले वाले यार का मुंह मैं नहीं पालने का, फिर नए बाप ने मुझे यहाँ नौकरी में डाल दिया, होटल में ही रहता सोता हूँ, पगार नया बाप के ले जाता है हर महीने, कितना मिलता है, 15 रुपए महीना, रोटी कपड़ा और चाय बीड़ी, तो याद रखें महीने की पगार कितनी है, 15 रुपए। खुश है अपनी क्या खुशी, रात दिन काम, सीढ़ियां चढ़ो और उतरो, लखना ओ लखने, तेरा बाप आया पिछवाड़े, जा मिल ले जल्दी करना, काउंटर पर बैठे सेठ की आवाज थी। अच्छा साहब, कहता हुआ वह दनदनाता हुआ सीढ़ियां उतर गया, कैसे हैं सब, ठीक घर पे, ठाकुर जी राजी हैं, पर तेरा छोटा भाई जाता रहा, क्या हुआ, उसका रुआ सा बोल था, छोटे भाई के विषय में उसने पूछा, क्या हुआ उसे, कुछ भी तो नहीं, संजा को ये ही जुड़ी ताप और भोर होते होते खलास, झाड़ फूंक भी करवाया पर, और माँ रो धो के बैठ गई, तेरे एक भाई जन्मा है, रुको मैं लौटा। वह नाक साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ और होटल के भीतर हो लिया। थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में चाय का छलकता कप था, लो पियो, कहकर उसने बीड़ी का बंडल थमा दिया। पगार वगार लाना, तेरी माँ के लिए कुछ लेना है, तेरे भाई के गुजर जाने और तभी नया और होने से दुबला गई है, सेठ ने अभी हिसाब नहीं किया, टूट फूट हो गई, वो तो हर महीने करता है, नया क्या, वो कॉलेज के लड़के आने लगे हैं इधर, इस टेन के 4 चम्मच उड़ा ले गए, एक के सूट पे चाय छलक गई मुझसे, 5 रुपए यूं कट गए, और क्या क्या किया बोल। हवा को फाड़ता हुआ एक झपाटा उसके गाल पर पड़ा और वह धरती पर बैठ गया। माँ वहां जन जन के घर भरे और बेटा यहाँ कमाई झाड़ दे, जरूर शोक करने लगा है, शहर की हवा लग गई है, चल कर बप्पा मैं घर नहीं आने का,
तो फिर अपने बाप के मुद्दों को यहां ना आगे लागे। अब दो ही बच्चे हैं। नहीं पापा, मैं इस महीने से पहले ही पूरी पगार भेज दूंगा। पूरी पूरी कैसे? दिन और सांझ की अपनी चाय कट करके मैं टूट फूट भर दूंगा। लखना ओ लखने, अबे मरे ना, सेठ का बुलावा था। मैं चलूं पापा, अब की लापरवाही की तो मुझसे बुरा दूजा नहीं होगा, समझे? ठीक, कहता हुआ वह उठ खड़ा हुआ और काम में जुट गया। क्या बोला तेरा नया बाप लखना? उसके संगी बड़के ने दो टेबल जोड़ उन पर अपने गुदड़े डालते हुए पूछा, घर ले जाने को बोलता था मैं तो फिर गया क्यों नहीं, वहां भूखों मर नहीं जाता? लखना ने दो बेंचों को सटा कर अपना बिस्तर लगा लिया था। तेरी माँ जो है वहां, वो भी वहां मार ही खाती है, फिर नन्ही दुनिया की बिलखती सूरत देखी नहीं जाती। लखना रुक कर बोला, क्यों बड़के? कहीं जास्ती पगार वाली नौकरी नहीं मिल सकती? कहीं जास्ती ज्यादा ज्यादा पगार मिले ऐसी नौकरी नहीं मिल सकती? मिल सकती है, करेगा क्यों नहीं। यहाँ रोज खुरचन चाटता है, आंख बचाकर रसगुल्ला गटक जाता है, वो नहीं मिलने का दूजी नौकरी में। मार बोली, चोरी चोरी मीठा निकलने में क्या धरा है? नहीं रे, चाट छूटती नहीं, मेरे से तो नहीं, मैं छोड़ दूंगा, पर सेठ तुझे नहीं छोड़ेगा। खजूर छाप का यह पूरा हरा नोट टिकाया है तेरे बाप को, मैंने अपनी आंखों देखा, तू गिर भी पड़ा है इस होटल में, खबर है तुझे? अपनी भी क्या जिंदगानी है यार। लखना ठंडी सांस से ले बोला, क्यों? और भी सुन, आज भोर तू तो टेम पे जाग गया, जाग काम में जुट गया, मुझे जरा देर हो गई उठने में, तो मिस्त्री ने घड़ा उंडेल दिया मुझ पर बिस्तर में ही, सारे बदन में कंपकपी छूट गई। गुस्सा तो ऐसा आया कि दिन भर हो चला नाक चल रही है, सिर में चक्कर सो अलग। वह थोड़ा थमा और ठंडी सांस भर फिर बोला, जिंदगी तो बोबी की है, तेने देखे? हाँ, तू जानता है वो सिनेमा के गेट वाला गफूर अपना यार है आजकल? यार? हाँ जानता हूँ। फिर तू मुझसे उड़ मते, मुझे बता उससे तेरी यारी कैसी है? तू क्या हुआ, थोड़ा गाल बाल पर दांत वांत लगा देता है और क्या, और वो ताले चाबी का खेल नहीं होता? होता है, तो क्या बिगड़ता है कुछ? फिर फिल्म भी तो दिखाता है, मैंने भी इंटरव्यू देखी है बॉबी का, तेरे को तो गफूर ने दिखाया ना, मुझे तो तेरा सब पता है। छोड़ सब, ये बता इंटरवेल का पहले का खेल कैसे देखें? इस नौकरी से छुटे तब तो। लखना गुदड़ी को सीने तक खींच बेंच पर पसर गया। धुएले बल्ब की रोशनी में उसने गुदड़ के सीवन के धागे भरे कीड़ों की भांति बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद लड़का बोला, तू तो लेट गया, लेट लगा गया, उठ, कल मैंने सेके थे टिकट, आज तू थे सान आटा, चल भूख मुझे तो नहीं, आज पगार मिली है और आज ही भूख उड़ गई, अपने किस काम की, दिन चढ़ते न चढ़ते नया बाप आमरेगा और टेंट में सब घोंस कर ले जाएगा। वो तेरा बाप तो कल आएगा, मेरी महतारी तो अंडवास में ही ले गई, मेरी महतारी तो एडवांस में ही ले गई, यहाँ रह गए टापते, आज दिखाई तेने दबक कैसे, जो तू ना बोलता कि मजदूरी मैं करता हूं तो पगार मुझे क्यों नहीं मिलेगी, वो तो वो मुनीम कभी पैसा नहीं देता, उसे भान नहीं कि सेठ ने तेरी पगार तेरे बाप के हाथ गड़ने का कोल कर रखा है, सेठ उसे बोलना भूल गया होगा। छोड़, अब उठ और रोटियां सें, यार आज मन दुख गया, दिल टूट गया सुबह से, क्यों क्या हुआ? सुबह सुभान की दुकान में चाह देकर लौटता था कि एक टुकम टुक नन्नी चुकरिया नजर आई, बगल में किताब पाठे दाबे ठीक मेरी टुनिया सी। मैंने उसके बाल सहला दिए तो चीख पड़ी, छिटक कर दूर हट गई, बोले, गंदा हुस, नहीं अभी तभी तू आज नया है? नहीं रे, बोल, दुख लगा है कि उसके यूं बोलने से, छोड़ भी यार, उठ आटा सान, भूख लगी है, आज हम कहीं बना बनाया लाए तो, ए क्यों, वैसे मुझे पगार जो मिली है, वैसे तो मैं तड़के ही अपनी आंटी से निकल जाएंगे सारे पैसे, तेरा बाप जो आकाश झुका देगा तुझ पे, करने दे, मरे को जो करे, मेरी तेरी माँ और टुनिया को भी सताएगा, माँ टुनिया कौन मेरे लिए ढुलक रही है, सोच ले कल मैं बोलियो कि लड़का हमारा खा पी गया, ऐसे उच्च हिटे नहीं है, चल भी आज अपन दोनों को कुर्ता लेकर भी नहीं मिले हैं, किसी भली जगह बैठ के सफर से रोटी खाएंगे, 10 से ऊपर बजे होंगे, रात का टाइम कहाँ चले, होटल के पिछवाड़े बने भट्टी खाने से
वे दोनों बाहर निकले तब हवा रुक रुक कर बह रही थी, ठंडी और थर्रा देने वाली। सुनी सड़कों की कोर पर रुपए खंभों में उजाला उगता झूल रहा था, उंगता झूल रहा था। वे दोनों तेज तेज पग बढ़ा दूर निकल गए। कुछ और चलने पर एक सिंधी का होटल नजर आया, दोनों उसमें घुसे और टेबल के सामने ठसके से जा बैठे। थोड़ी देर किसी ने पूछा नहीं तो लखना को लगा उनकी कोई पूछ नहीं। वह पास पड़े चम्मच से टेबल पीटने लगा, ए छोकरे बोल। उसके सामने उसकी उम्र का एक लड़का खड़ा था, उसे लगा जैसे वह अपने आप से बात कर रहा है। खाने में क्या है, उसकी आवाज में ठसक थी। आलू मटर, आलू गोभी, भिंडी, दाल चावल, कढ़ी, तंदूरी रोटी, तंदूरी पराठे, मटर पुलाव, कोफ्ता, बोलो क्या। वह एक सांस में सब कह गया। पहले वानी छोकरा टला तो लखना बड़के का मुंह जोने लगा, क्यों क्या कह गया, तुझे याद हो कुछ तो मंगा बार, मुझे तो ठो ना पड़ा, क्या बोल दिया चपड़ चपड़। तभी गल्ले पर बैठे आदमी ने टोका, अरे खिस्से में कुछ है भी या यूं ही वैसे, क्या टुच्ची बात बोलता सेठ, पैसे की कमी नहीं। और लखना ने निकर के खीसे से मुड़ा तोड़ा 10 का नोट निकाला और हथेलियों के बीच फंसा कर हवा में लहरा दिया। इस साले को भरोसा नहीं, सिंधी मानुष जो ठहरा। छोरे खाना लगा, नोट देखते ही गल्ले वाले ने हाँक लगाई, बोलो क्या लगाऊं। फिर वही छोकरा सामने खड़ा था, सब्जी में जो सबसे बढ़िया है वो लिया है, तुम बोलो ना, बोला ना सबसे अच्छी सब्जी और तंदूरी पराठे जल्दी फटाफट। तेज मसालों के भभके और तंदूरी पराठों की महक से उनकी भूख पगला गई। खाना लगा तो दोनों टूट पड़े, डटकर खाया एक सब्जी फिर दूसरी तीसरी, खूब चटकारे लेकर उड़ाई। पेट भर गया तो लखना बोला, आज पेट भरा साला, खुद घड़ो सेको निकलो, उससे तो बस पेट अटता है, भूख टलती है, तृप्ति नहीं होती। बोल बड़के, ठीक बोल है ना, और नहीं तो क्या, खुद का तो भूख प्यास से दम सूखता है और हम ग्राहकों को परोसते रहे, क्या खेल है, उसने डकार लेते हुए कहा। बोल और कुछ लेगा मीठा मीठा, अपन कौन से अपने बाप की दौलत काट रहे, जाएगा तो उस नए बाप का ही ना, मैं तो काला जामुन खाऊंगा। काला जामुन, होटल पर आंख बचा के दो एक रोज गुटक जाता होगा, तबीयत नहीं भरी। फिर भी बड़के, अपने होटल पर दसियों मिठाइयां निकली होंगी पर तेरी कसम एक का स्वाद नहीं पता। काला जामुन आज ही शाम को डकार गया, मीठा लगा बस, आज तसल्ली से खाकर देखते हैं, तेरी मर्जी। लखना ने पान गिलास लड़खड़ा कर ऑर्डर दिया, काला जामुन 4 लगभग दो, अलग अलग दो दो। टेबल के नीचे पैर फैलाकर जब लखना ने जामुन को चम्मच से तराश कर इत्मीनान से मुंह में रखा तो उसे भान हुआ जैसे ये मिठाई उसने पहली बार चखी है। उसे टुनिया के रेशमी बालों की भीनी बास और उसके गालों की मिठास याद हो आई। वे हाथ धोकर उठने वाले थे कि एक प्लेट में थोड़ी सौंफ और बिल लेकर छोकरा गया, अरे यहाँ पढ़ना लिखना किसे आवे, बोलने कितने पैसे हुए। लखना खिंचकर बोला, 8.90। लखना 10 रुपया का नोट प्लेट में रख खड़ा हो गया, आगे बढ़ा तो गल्ले वाला बोला, एक का खुला नोट नहीं, एक लॉटरी का टिकट दे दूं, किस्मत खुल जाएगी। दे दे यार ये भी सही, और बाकी 10 पैसे उस छोकरे को। उसने बड़के के कंधे पर हाथ रखा और बाहर हो लिया। 10 पैसे उस छोकरे को जिसने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर वहां पर सप्लाई किया था, मतलब आज की भाषा में कहें तो 10 पैसे की उसने टिप दी थी। रास्ते में एक दूसरे से सटे सटे चले पर ठंड थी कि उन्हें चीरे डाल रही थी। होटल पहुंचे तो घड़ी ने 12 का टंकारा दिया। वे दोनों अपनी गुदड़ी में दुबक गए। जब दुबदु की मिट्टी तो लखना ने टहोका देकर पूछा, कैसा रहा। बढ़िया, पर सुबह तेरा बाप जो आ खड़ा होगा उसे यहाँ मिलेगा ही कौन, क्यों, बंदा कहीं चला जाएगा फिर नहीं लौटने का। कहाँ जाएगा, जिधर किस्मत ले जाए, तो भी कहीं भी लंबी चौड़ी दुनिया पड़ी है, ठिठोली कर रहा है वो ही सही। खूब खाली खा खूब लिया, मिर्च जी भर गेरी थी साई ने, अलग में जलन सी दौड़े है, प्यास भी लगी है, प्यास तो मुझे भी सता रही है, हलक में कांटे से अड़ रहे हैं, तो फिर खुद पी और लेता भी आना एक गिलास। यार अपने से मैं तो सकत नहीं, मतलब सकते नहीं, तू करना हिम्मत। अरे हमने की तो की हिम्मत, 10 का नोट उड़ा दिया तुझ पे, मैं बोला था ना पहले आ गया ना ऊंचेपन पे, इसमें एक झूठ गया है, 10 का पत्ता खर्चा नहीं, पूरे 10 के 10 मैंने खाए, कि पूरे 10 के 10 मैंने खाए। तू चंट पड़ने लगा है, निकल भागने की बात जो बोल दू किसी से किसी को, मैं कब बोला कि सब तेने खाया, फिर मैंने बोला तुझको और तेने खाया, बात तो पानी पिलाने की है बस। लखना अब नरम पड़ गया और दोनों चुप हो गए। बुरा मान गया बड़के, नहीं यार छोड़, ठंड जोर की है, फिर भी प्यास
है कि मार रही है। फिर उठ ही जा यार, मेरा भी कलेजा सूख गया, तू क्यों नहीं उठता यार? मैं नहीं उठने का, तेरी दोस्ती भी देख ली, मेरे से नहीं उठा जाएगा, चाहे जो तू समझ। तो फिर पड़ा रहेगा, और दोनों अपनी गुदड़ियों को लपेट मुंह फेर के तन गए। सेठ का बच्चा जब से लाल ज्वार खिलाने लगा है तब से पानी पानी लगा रहे हैं, बड़का बुदबुदाया, पर आज तो माल उड़ाया है न। लखना बोला, मिलने दे हमारी पगार, अब की हम तुझे खिला देंगे दुगनी, पर पानी नहीं पिलाएगा। बोला, ना मैं नहीं हिलूंगा तो फिर मर प्यासा, तू बिगड़ सूखा। कुन मनाकर दोनों चुपचाप चुप हो गए। थोड़ी देर हुई कि आवाज आई, लखना, ओ लखना, सुन रे, सेठ की बुलाहट है। तो फिर जाए न, तुझे बुलाए हैं, तुझे पुकारे हैं, साहब तुझे बुलाहट है, सुन। फिर आवाज आई, लखना, ओ लखना, अरे मारा सोया क्या, यहाँ अनमर। लखना एकदम गुदड़ी फेंक उठा और लपक के पास वाली खोली में जा खड़ा हुआ। उसे कंपकंपी छूट रही थी, गाल बजाते हुए देख बोला, बोलो सेठ, सेठ के पिल्ले गला फाड़ डाला मैंने, सुनता ही नहीं, पानी पिला, जरा गोली भी गुटक नहीं है, गठिया ने मार ही डाला साली ने। लखना तेजी से घुमा और दूसरे पल पानी का लोटा लाकर सेठ को थमा दिया। जब उसने गोली लेकर पानी पी लिया तो थोड़ा रुकने के बाद बोला, सेठ, और सेठ बस जा पड़, सुबह जल्दी उठना है। लखना बिजली की तरह घुमा और धम्म से अपने गुदड़ में ढल गया, जैसे पल में मीलों लंबा सफर तय कराया हो। लाया, बड़के ने गुदड़ से हाथ निकाला, क्या रे पानी और क्या, अकेला पीकर आ गया? मैंने नहीं पिया पानी। क्यों, तुझे प्यास नहीं? प्यासा तो मैं अब भी हूं, पर ऑर्डर सेठ का था सो उसे पिला दिया। मुझे पानी पीने की याद ही नहीं रही, रोज ऑर्डर देने वाला ही खाता पीता है ना, अपन लोग तो बस यूं ही आगे डेस डेस, हम तो यूं ही बस देखते रह जाते हैं। तो ये पराई प्यास का सफर नामक कहानी, जो कि उदयपुर के आलम शाह खान के द्वारा रचित थी, इसमें दो बच्चों की, उसके उनके बाप की का मतलब हम कहें कि उन बच्चों पर एक आतंक था, एक डर था, एक भय था, और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी एक वानगी थी, हमने ये सब इसमें देखी। अगले वीडियो में इसकी समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।